देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राहुल को ऑफिस से लौटते हुए बहुत रात हो गई थी। वो तेज रफ्तार से कार चलाकर घर वापस जा रहा था। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और हवा भी काफी तेजी से चल रही थी। राहुल का ऑफिस उसके घर से करीब 3 घंटे की दूरी पर था। ऑफिस में बहुत काम होने के कारण वो आज ऑफिस से देर से निकला था। वो बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था जिससे वो घर जल्दी पहुंच जाए। जिस रास्ते से वो ऑफिस जाता था वहां बीच में बहुत घना जंगल था जो कि करीब 1 किलोमीटर तक था। और उस जंगल के बारे में लोगों का ये कहना था कि ये भूत प्रेतों की बस्ती है। रात को उधर कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था। राहुल को ये सब सोचकर डर लग रहा था। उसने तेज आवाज में गाने लगा दिए और सुनने लगा। बारिश बहुत तेज हो रही थी और कार की रफ्तार भी तेज थी कि अचानक एक आदमी कार के सामने आ गया। राहुल जब तक कार को रोकता तब तक उस आदमी को टक्कर लग चुकी थी। राहुल ने जल्दी से कार रोकी और भागकर उस आदमी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि उस आदमी का चेहरा पूरा कुचल गया है लेकिन उसकी सांसें चल रही है। राहुल ने जल्दी एम्बुलेंस को बुलाने के लिए फोन ले कार के अंदर की तरफ गया कि तभी वापस आया तो वो भौचक्का रह गया क्योंकि वो आदमी वहां था ही नहीं। राहुल को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इतनी जल्दी इतने चोट लगे हुए आदमी को वो कैसे उठ सकता है। और वो थोड़ी देर सोचकर वहीं पर बैठ गया कि तभी अचानक उसका फोन बजा। फोन उसकी पत्नी रमा का था। वो उठा और घर की तरफ वापस चल दिया। बारिश की वजह से वो पूरी तरह से भींग गया था। रात के करीब 1 बजे वो घर पहुंचा। थकावट की वजह से उसे नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन सुबह वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि तभी रमा एक बूढ़े से आदमी को लेकर आई और बोली कि राहुल, ये रमेश काका हैं। ये कल रात को अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। राहुल ने कहा, ठीक है। रमेश काका के बाहर जाने के बाद राहुल ने रमा से ये कहा कि ऐसे बिना किसी को जाने पहचाने घर में नहीं लाना चाहिए। लेकिन रमा नहीं मानी और रमेश काका को घर पर रख लिया। उसी रात रमा और राहुल सो रहे थे कि तभी रमा को किचन से बर्तनों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई बर्तन धुल रहा हो। रमा ने लाइट जलाई और किचन की तरफ गई तो उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि किचन की टंकी से पानी की जगह खून निकल रहा है और पूरी सिंक खून ही खून है। तब तक राहुल आ गया। उसने पूछा कि क्या हुआ तो रमा ने बताया जो उसने देखा, लेकिन राहुल को वहां ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। राहुल ने रमा को समझाया कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, चलो सो जाओ। उस रात रमा बहुत डर गई। अगली रात भी उसे वही आवाज सुनाई दी। वो हिम्मत करके किचन की तरफ गई। उसने देखा कि आज रमेश काका बर्तन धुल रहे हैं। उसने कहा, काका, आप इतनी रात के 2 बजे आप इस समय बर्तन क्यों धो रहे हैं? रमेश काका कुछ नहीं बोले। रमा ने फिर कहा, काका, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? जैसे ही काका ने मुड़कर रमा की ओर देखा तो रमा उनको देखकर बहुत घबरा गई क्योंकि उनका चेहरा पूरा कुचला हुआ था और पहचान में नहीं आ रहा था। रमा समझ चुकी थी कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक भूत है। उसने हिम्मत जुटाई और साईं बाबा की चालीसा पढ़ने लगी। तब तक शोर सुनकर राहुल कमरे से बाहर आ गया। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही रमेश काका न जाने कहां गायब हो गए। फिर उसके बाद रमेश काका कभी नहीं दिखे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन
जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।